रुख करेंगे खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। केंद्र ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ को पत्र लिखा है। केंद्र ने जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों में ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और बैतूल में कोरोना के मामले बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। तो महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। तो केंद्र ने 5 राज्यों को पत्र लिखा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। केंद्र ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ को पत्र लिखा है। जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों में ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए, वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र ने कहा है। तो बता दें कि तीसरी वेव कोरोना की यहां पर दिखाई दे रही है। एक बार फिर से कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब केंद्र भी अलर्ट मोड पर आ गया है और केंद्र ने 5 राज्यों को पत्र लिखा है। और अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु चौरे लाइव बने हुए हैं हमारे साथ। वासु, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अब कार्रवाई प्रशासन करेगा, क्योंकि अब देखा जाए तो तीसरी वेव कोरोना की यहाँ दिखाई दे रही है। अब जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए मध्य प्रदेश में कोविड-19 के जो मामले हैं उनमें जो बीते दिनों की अगर बात की जाए तो बढ़ोतरी सामने आई है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है और केंद्र सरकार ने भी पत्र लिखकर मध्य प्रदेश सरकार को कोविड-19 के जो लगातार बढ़ रहे आंकड़े हैं उन पर मुस्तैदी के साथ नजर बनाने की हिदायत दी है, जिसके मद्देनजर अब पूरे प्रदेश में एक बार फिर से सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा था सख्ती के साथ, वो जो गाइडलाइंस है वो फिर से जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में अब किसी भी तरीके के प्रदर्शन की, धरने की अनुमति नहीं होगी। जो आने वाले समय में महाशिवरात्रि और अन्य जो त्यौहार आने वाले हैं, चाहे होली हो, महाशिवरात्रि हो, इन त्योहारों पर जो मेले लगते थे, जो कल्चरल फेस्ट के आयोजन होते थे, अब वो भी नहीं होंगे। और जहां पर अभी इस समय में फेस्ट चल रहे हैं या मेले चल रहे हैं, कोई सार्वजनिक आयोजन चल रहे हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पूर्ण रूप से अनिवार्य होगा। अगर कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो फिर शासन प्रशासन की ओर से सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रेरणा, आपको बताना चाहूंगा, जो वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसमें और भी ज्यादा अब तेजी लाई जाएगी, क्योंकि जो 3 चरण का जो शुरुआती वैक्सीनेशन का पूरा प्रोटोकॉल तैयार हुआ था, प्रोटोकॉल बना था, उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके, ताकि इसके बाद जो आम लोग हैं, आम पब्लिक हैं, उनके तक भी वैक्सीन पहुंच सके। और जब एक पूरा जो सर्कल है, यानी कि जो तीनों फेज का जो वैक्सीनेशन है प्रेरणा, ये जब खत्म हो जाएगा तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो बहुत हद तक काबू में आ जाएगा, क्योंकि जो एंटीबॉडी डेवलप होने का काम है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। बहरहाल अब लोगों को भी जागरूक रहने की बेहद आवश्यकता है। जब भी आप सार्वजनिक स्थानों पर जाएं तो मास्क पहने, अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तमाम जो हिदायतें दी गई हैं उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं होगा कि कोविड-19 अब भी है, कोरोना कहीं गया नहीं है। बीच में कोरोना के जो मामले थे, जो संक्रमण था, वो कम जरूर हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। कई जगहों से ऐसी भी जानकारी मिली है कि कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया, तो अभी सावधान रहने की बेहद बिल्कुल वास्तु देखा जाए तो सावधान रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है और अच्छे से कोरोना संक्रमण की जांच कराने के लिए भी निर्देश केंद्र ने दिए हैं। जो भी प्रदेश में आएगा, जो भी यात्री आएंगे, उनकी भी अब कोविड-19 की जांच निश्चित रूप से होगी। तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है, जैसा कि आपको बता रहे हैं, वो बढ़ने लगा है। 24 घंटे में कोरोना के 248 केस आए हैं। इंदौर में 102, भोपाल में 40, वहीं बैतूल में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 2151 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक
2,59,969 पॉजिटिव केस मिल चुके।